So hey, what's up guys, Harshay back in the video. So guys, in this video I'm going to show you an unboxing and a review of the Sony wireless home theater system. So guys, this is our home theater system. This is Sony's S40R. और गाइस ये 600 वॉट्स तक का आउटपुट हमें दे सकता है। गाइस मैंने ये वाला मॉडल इसलिए परचेज किया है क्योंकि गाइस इसके जो रियर स्पीकर्स होते हैं वो वायरलेस होते हैं। सो गाइस बेसिकली वायरलेस होने का एक ही फायदा है मेरे हिसाब से कि आपके रूम में वायर्स आपको दिखाई नहीं देंगी हर जगह। और बट गाइस मेन इशू क्या होता है कि ये जो सराउंड स्पीकर्स होते हैं नॉर्मल केसेस में, जैसे मान लो हमारे वायरलेस नहीं है तो जो ये सराउंड स्पीकर्स होते हैं ये हमारे मेन वूफर से कनेक्टेड होते हैं और हमें सब पीछे से लेकर वायर वूफर तक करनी ही करनी पड़ती है, जो कि गाइस बहुत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा क्लटरी हो जाता है। और अगर आपके घर में सही से वायर मैनेजमेंट का सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड नहीं है तो गाइस ऑब्वियसली आपको तारे ही तारे दिखाई देंगी अपने घर पे। सो गाइस इसी वजह से मैंने ये वाला मॉडल खरीदा था। गाइस इसके बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर आप इसको खरीद सकते हैं। गाइस मैंने ये ऑफलाइन खरीदा था क्रोमा स्टोर से अपने घर के पास वाले, अराउंड 27-28 हज़ार के आसपास का था ये। आई एम रियली नॉट श्योर कि अब इसका प्राइस कितना हो रखा है। गाइस मैंने इसको अराउंड 3-4 महीने पहले खरीद लिया था, सो आई हैव पैक्ड इट अगेन जस्ट टू शो इट टू यू गाइस। सो फटाफट से गाइस इस वाले कैमरा एंगल को करते हैं बंद, मैं फटाफट से आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स वगैरह कैसा है, अनबॉक्सिंग करते हैं बेसिकली इसकी। ऑल राइट गाइस, बाकी पार्ट में शूट करूंगा मैं मोबाइल फोन से, देखते हैं इसकी क्वालिटी भी कैसी है। सो ऑल राइट गाइस, एज यू कैन सी कुछ इस तरह का हमें बॉक्स देखने को मिल जाता है अगर मैं इसको वाइड एंगल करूं। बॉक्स पे बेसिकली क्या ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस यहाँ पे हमें ब्रांडिंग देखने को मिली हुई है, इधर थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई है जो हमें देखने को मिल जाती है। 5.1 चैनल रियल सराउंड साउंड में देखने को मिल जाएगी, मॉडल नंबर है S40R। ऑल राइट गाइस, बेसिकली इस साइड पे ऐसा कुछ खास नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टॉप की भी तो टॉप पे भी हमें ये सेम चीज़ देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो 5.1 चैनल रियल सराउंड साउंड में देखने को मिल जाएगी। 600 वॉट्स का इसमें हमें आउटपुट देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें ऑब्वियसली पता है 600 वॉट्स बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरा छोटा सा रूम है, अगर मान लो मैं इसके ऊपर भी स्पीकर लगाऊंगा और इतने छोटे रूम के हिसाब से 600 वॉट इज़ वेरी मच पावर। फैक्ट इज अगर आप अपने बड़े हॉल में भी इसको लगाओगे तो 600 वॉट्स फिर भी बहुत ज़्यादा होता है। सो USB ब्लूटूथ हमें इसमें देखने को मिल जाता है, इस तरह का कुछ यूनिट है और बॉक्स पे मेरे हिसाब से और कुछ नहीं है। इस साइड एक फोटो बनी हुई है हमारे स्पीकर्स की और बस और कुछ नहीं है। सो ऑल राइट गाइस, लेट मी जस्ट क्विकली अनबॉक्स दिस थिंग, इसको यहाँ से हटाता हूँ। एक तो एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से अनबॉक्सिंग करना बहुत मुश्किल है। सो गाइस एज यू कैन सी, ये सबसे बड़ा यूनिट जो है यहाँ पे हमारा, ये है हमारा वूफर। सबसे पहले अपने वूफर को ही बाहर निकालते हैं। इसके अंदर हमें एक हमारा साउंड बार देखने को मिला होगा और दो सराउंड स्पीकर और एक रिसीवर। एंड सो ऑल राइट गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पे ये हमें काफी ज्यादा बड़ा यूनिट मिला है हमारे वूफर का और सारे के सारे कनेक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया था सबको इसके पीछे देखने को मिल जाते हैं। सो आई जस्ट शो यू, मैं अच्छी तरह से आपको दिखाता हूँ। गाइस अगर मैं वूफर की भी बात करूँ तो यहाँ पे हमें 3 पिन देखने को मिल जाती हैं। बेसिकली वो वाली हैं जो हमारे टीवी में से डायरेक्टली आएंगी, एनालॉग की, HDMI आउटपुट की। सो HDMI आउटपुट देखने को मिल गया, ARC वाला, टीवी ऑप्टिकल अगर आपको केबल लगानी हो। और गाइस यहाँ पे 3 हमें देखने को मिल जाते हैं, ये है हमारे साउंड बार के लिए, राइट, सेंटर और लेफ्ट। एंड गाइस बेसिकली यहाँ पे सारी पावर मेंशन हो रखी है, इतना तो कुछ खास है नहीं इधर। तो यहाँ पे हमारा डॉल्बी ऑडियो लिखा हुआ है और बेसिकली गाइस बैक साइड में से कुछ खास है नहीं। अगर गाइस मैं फ्रंट की बात करूँ तो फ्रंट में हमें टॉप पे एक मार्किंग देखने को मिल जाती है सोनी की। और गाइस यहाँ पे हमारे फेदर टच बटन्स हैं, इनमें कोई भी गाइस फीडबैक हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मान लो आपने बटन दबा दिया है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बटन प्रेस हो गया है या नहीं हुआ है। हैप्टिक फीडबैक एक मिलना चाहिए था, ये बहुत ही स्लाइटली मतलब हल्का टच करते ही बटन काम करने लग जाते हैं, फेदर टच बटन है। गाइस अगर मैं फ्रंट की बात करूँ तो यहाँ पे हमें USB का पोर्ट देखने को मिल गया है, इधर एक छोटी सी LCD भी है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो यहाँ पे हमारी जो वूफर की मैश है वो कुछ इस तरह की दिखती है, जो कि बिल्कुल भी बेकार नहीं लग रही है। बट गाइस मैंने देखा है कि इसके जो नीचे वाले मॉडल्स हैं, जैसे ये हमारा S40R है, जो ST20 या फिर HD40 है शायद से, उसका वूफर यूनिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है इससे। अब ये देखने में थोड़ा पुराने ज़माने का यूनिट लग रहा है, लेकिन गाइस जो इससे नीचे वाले मॉडल, जो वायर्ड वाले मॉडल्स हैं, उनका वूफर यूनिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड सो ऑल राइट गाइस, अब हम देखते हैं कि हमें और क्या क्या देखने को मिला है इसमें। सो गाइस ये जो यूनिट है, सो एज यू कैन सी ये जो यूनिट है गाइस, ये है हमारा रिसीवर जो कि हमारे वायरलेस स्पीकर के साथ कनेक्ट होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था वायरलेस स्पीकर हमारे इसी में लग जाएंगे, एम्पलीफायर इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, वायरलेस स्पीकर हमारे इसी में लग जाएंगे और इसको हमें सेपरेटली पावर सप्लाई देनी पड़ेगी।
इसके बारे में भी आगे जाके बात करते हैं इन डिटेल। और गाइज एक पावर केबल ऑब्वियसली, एंड गाइज ये दो सराउंड स्पीकर हमें देखने को मिले हैं जिनकी वायर बहुत ज्यादा लंबी है नीचे। सो गाइज अराउंड 15 फुट की इनकी वायर होगी, 15 फुट से भी ज्यादा की। सो गाइज कुछ इस तरह के यूनिट हमें देखने को मिले हैं, आई जस्ट शो यू। गाइज इस अनबॉक्सिंग में आपको साउंड बार नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि गाइज साउंड बार जो है वो मैंने ऑलरेडी माउंट कर रखा है यहाँ पर। एंड गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि मैंने ये ऑलरेडी अनबॉक्स कर रखा है, गाइज ये मैंने वॉल पे माउंट कर रखा था ऑलरेडी, इस वजह से मैंने ये साउंड बार निकाला नहीं अनबॉक्सिंग के लिए, क्योंकि गाइज यहाँ पे मैंने इसके ऑलरेडी इसकी जो वायर कनेक्शंस हैं वो सब कुछ कर रखे थे। अगर मैं इनको निकालता तो गाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, डालने में बहुत दिक्कत होती है। एनीवे गाइज जैसे कि आप देख सकते हो साउंड बार की भी सेम टू सेम मैश हमें वैसी देखने को मिल जाती है, और गाइज ये बिल्कुल भी बेकार नहीं लगता है देखने में। ये तीन स्पीकर हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे, सेंटर लेफ्ट राइट, ऑब्वियसली तीन स्पीकर हमें साउंड बार में देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो बहुत मिनिमलिस्टिक सी हमें मार्किंग देखने को मिलती है हमारे स्पीकर्स की। एंड गाइज एज यू कैन सी ये 40 इंच का टीवी लगा हुआ है मेरे सामने, 40 इंच के टीवी के नीचे कुछ इस तरह का लगते हैं। एंड गाइज जो ये वायर है इनकी बहुत ही ज़्यादा पतली सी वायर है, आई विल जस्ट शो यू नीचे से। सो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो ये स्पीकर की वायर है हमारे साउंड बार की, और इसके आउटपुट वाली साइड में हमें तीन मार्किंग मिली हुई है, रेड ब्लू और रेड ग्रीन और वाइट की। एंड गाइज एंड यही सेम मार्किंग हमें हमारे वूफर पे भी मिली हुई है, राइट चैनल, सेंटर चैनल, लेफ्ट चैनल की। सो गाइज लगाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड सो गाइज अगर मैं इसके रिसीवर की बात करूँ जो एम्पलीफायर हमें देखने को मिला है, गाइज इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा भारी है, स्टडी क्वालिटी का मतलब स्टडी मटेरियल लग रहा है। सो गाइज पीछे के साइड में अगर मैं बात करूँ तो हमें कुछ इस तरह के बस बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये पावर सप्लाई के लिए है, ये लेफ्ट स्पीकर लगाने के लिए और ये राइट स्पीकर लगाने के लिए, ये बेसिकली लिंक करने के लिए है। आई एम नॉट श्योर कि ये लिंक करने के लिए क्यों बटन है, क्योंकि जैसे हम इन वूफर को ऑन करते हैं और अपने रिसीवर को ऑन करते हैं ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। आई एम नॉट श्योर कि लिंक किस लिए है, देखते हैं अभी आगे जाके। और यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा एक पावर बटन है। एंड गाइस अगर मैं सराउंड स्पीकर की बात करूँ, सराउंड स्पीकर हमें कुछ इस तरह के देखने को मिल जाते हैं। ये भी गाइस अगर मान लो इनको आप छुपाओगे भी नहीं तो भी गाइस इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, देखने में बिल्कुल भी बेकार नहीं लग रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे में थोड़ी बहुत ब्रांडिंग देखने को मिल गई है इसकी, ये राइट स्पीकर है इसलिए लिखा हुआ है सराउंड राइट, ब्रांडिंग भी क्या बेसिकली बस मॉडल नंबर मिला हुआ है और दैट इज़ प्रीटी मच इट। ऊपर ब्रांडिंग है सोनी की, पीछे हमें दीवार पे माउंट करने के लिए बाई चांस हमें अगर दीवार पे लटकाने हो तो इसलिए एक माउंट करने के लिए मिला हुआ है, एंड बेसिकली दैट इज़ प्रीटी मच इट, और कुछ भी नहीं है गाइज। अच्छी बात यह है कि वूफर पे, स्पीकर पे और हमारे साउंड बार पे तीनों पे हमें एक तरह की मैश देखने को मिल जाती है, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, नीट एंड क्लीन लगती है बेसिकली यूनिफॉर्म्स। ऑलराइट गाइज फटाफट से मैंने इन सब की अनबॉक्सिंग तो कर ही दी है, गाइज फटाफट से इनको लगाते हैं टीवी में और देखते हैं गाइज ये कैसा एक्चुअली में आउटपुट दे रहे हैं। वैसे गाइज मेरे को पता है बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आउटपुट देते हैं क्योंकि मैंने यूज़ कर रखे हैं। सो गाइज मेरा जो वूफर, सो गाइज जो मेरा साउंड बार है वो मेरे टीवी के बिल्कुल नीचे लगा हुआ है, तीन चैनल की आवाज़ हमें यहाँ से आएगी। और गाइज ये जो मेरे सराउंड स्पीकर्स हैं इनको मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पर ऊपर और इधर ऊपर अपनी फॉल सीलिंग पे लगा दूँ, क्योंकि गाइज मैं इनको वैसे गाइज टेक्निकली देखा जाए तो इनको हमें बिल्कुल हमारे जहाँ पे हम बैठते हैं, लेट्स से कि मैं इधर बैठूंगा तो बिल्कुल अपने कान वाले लेवल पे ही लगाना चाहिए जो कि हुआ वहाँ पर कहीं, लेकिन गाइज फिर अगेन हमें वो वायर दिखाई देती और वायरलेस स्पीकर लेने का फ़ायदा ही नहीं होता। इस वजह से गाइज मैं इनको ऊपर लगाऊंगा उधर और उधर, और गाइज बाद में थोड़ी सी ट्वीकिंग कर दूंगा, ट्वीकिंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिर हमें सराउंड साउंड ही मिलेगी। सो गाइज लेट्स जस्ट क्विकली गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि इन डब्बों को साइड में रखता हूँ। अगर थंबनेल ना बनाना होता मैं डब्बों कब का फेंक चुका होता। सो गाइज जब आप ये स्पीकर खरीदोगे सोनी से एक ऑफिशियल बंदा आएगा, वो आके आपका सारी माउंटिंग वगैरह करेगा। वैसे गाइज इनको माउंट करना इतना मुश्किल नहीं होता है, आप भी आराम से माउंट कर सकते हो, या फिर किसी लोकल इलेक्ट्रीशियन को अगर आप बोल दोगे जो एक टीवी वगैरह माउंट करते हैं वो भी इसको आसानी से माउंट कर देगा। लेकिन गाइज सोनी ऑफिशियल बंदा भेजती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है वो। सो गाइज मैंने तो हावेवर उससे माउंट नहीं करवाया था, लेकिन गाइज मैं आपको बता रहा हूँ कि सोनी एक बंदा भेजती है जो आपको पूरा डेमो वगैरह देके जाता है प्रोडक्ट का। सो गाइज क्योंकि यहाँ पे हम एक टेक चैनल चलाते हैं, हमें किसी बंदे की कोई जरूरत नहीं है एटलीस्ट अभी तक इस स्पीकर के लिए एटलीस्ट। तो गाइस इसीलिए मैं इन चीज़ों को खुद माउंट कर रहा हूँ। सो गाइस ये वायर्स हाइड करना बड़ा ही मुश्किल काम है, लगता है कि गाइस वायरलेस स्पीकर है तो आराम से हाइड हो जाएंगी चीज़ें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वायर्ड स्पीकर्स के, वायरलेस स्पीकर्स के साथ भी वही बड़ा मुश्किल टास्क है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ये चीज़ें करते करते। सो ऑलराइट गाइस ऊपर वाले स्पीकर तो मैंने सेट कर लिए, फटाफट से मैं इस वूफर को भी सेट कर देता हूँ और इस साउंड बार को भी लगा देता हूँ। एंड गाइज आई फॉरगॉट टू शो यू, कुछ इस तरह का इसका रिमोट भी हमें देखने को मिलता है,
बहुत ही बेसिक सा रिमोट है और मैंने इसका प्लास्टिक कवर अभी तक नहीं उतारा है। वैसे कहीं इस रिमोट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम जो हमारा नॉर्मल टीवी का रिमोट है, अगर मान लो आपने ये HDMI ARC कनेक्ट कर रखी है इस पर, तो नॉर्मल टीवी के रिमोट से भी हमारा जो स्पीकर है वूफर है वो कंट्रोल हो जाता है। सो गाइस मैं फटाफट से इसको पावर ऑन करता हूँ। एंड गाइस एज यू कैन सी, जो मैं डिस्प्ले की बात कर रहा था वो हमें यहाँ पे बहुत छोटी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है। एंड गाइस इसका कोई भी आउटपुट हम अपने टीवी पे नहीं ले पाएंगे। सो गाइस जितनी भी हमें सेटिंग चेंज करनी है, मान लो रिमोट से इसकी सेटिंग चेंज करनी है, तो गाइस हमें मैनुअल पढ़नी पड़ेगी बार बार। और गाइस वो जो छोटी सी डिस्प्ले हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, उसी के हिसाब से सबको चीज़ें करनी पड़ेंगी, मतलब इस पर देख देख के ही सबको चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो गाइस क्योंकि मेरे सराउंड स्पीकर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए मेरे को उनकी आवाज़ जो है वो मतलब इंक्रीज़ करनी थी, ताकि मेरे को यहाँ पे बैठ के सही से सुनाई दे। सो गाइस उसके लिए भी मेरे को ये जो यहाँ पे हमें देखने को मिली है छोटी सी डिस्प्ले, इतनी सी डिस्प्ले पर देखकर ही सबको चीज़ें करनी पड़ रही थी। सो गाइस अब मैं इसको अगर यहाँ से ऑन करता हूँ, एंड गाइस आई विल जस्ट शो यू। सो गाइस यहाँ पे अभी तक ओके। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो रिसीवर HDMI डिटेक्ट हो गया है। एंड गाइस अगर मैं मान लो इसकी वॉल्यूम कंट्रोल कर रहा हूँ यहाँ से, तो जैसे मैंने आपको बताया था, आई विल जस्ट शो यू। सो गाइस एज यू कैन सी, ये जो वॉल्यूम कंट्रोल हो रही है ये मेरे वूफर पर ही हो रही है वॉल्यूम कंट्रोल, और ये मैं अपने कंट्रोल कर रहा हूँ वॉल्यूम अपने सैमसंग के टीवी के रिमोट से। सो गाइस जैसे मैंने आपको बताया कि जो वाला रिमोट है हमारा जो मिला है डिफ़ॉल्ट इसके साथ, उसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो जैसे कि आप देख सकते हो वॉल्यूम इसी से कंट्रोल हो रही है। गाइस अगर मैं आपको रिसीवर भी दिखाऊँ, जैसे कि आप देख सकते हो जो हमारा रिसीवर लगा हुआ है उसमें एक ग्रीन लाइट जल गई है और गाइस वो ब्लिंक नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये जो हमारे सराउंड स्पीकर्स हैं ये भी कनेक्ट हो चुके हैं हमारे मेन यूनिट के साथ, और अगर हम आप कुछ भी चलाएंगे तो हमारे सारे के सारे स्पीकर साथ में काम करेंगे। सो गाइस लेट्स जस्ट क्विकली गो ऑन टू अमेज़न प्राइम और कोई बढ़िया सी मूवी चला के देखते हैं। सो ऑल राइट गाइस मैं कुछ ऐसी चीज़ चलाता हूँ जो कि मैं अपने घर पे देख सकूँ आराम से फुल वॉल्यूम में, और वो 5.1 भी हो। स्पेस जैम चलाते हैं। सो गाइस जिनको नहीं पता है लेब्रॉन जेम्स की मूवी है, और इसमें होपफुली 5.1 चैनल का सपोर्ट होगा। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो 5.1 ऑडियो का सपोर्ट है इसमें। सो गाइस मैं इसको रिज्यूम करता हूँ और देखते हैं। भाई साहब काश ये चीज में यार इनका एक्सपीरियंस ही कर सकते हैं भाई, ये अल्टीमेट है। ये दो तीन सीन्स थे उसमें तो बहुत ही अल्टीमेट आवाज आई थी, कुछ और सा देखते हैं। सो ऑलरेडी एक चीज करके देखते हैं, मेरे को लग रहा है कि जो मेरे सराउंड स्पीकर्स हैं वो आवाज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब कम कर रहे हैं। लेट्स सी। तो गाइस मैं क्या करता हूँ कि ये तीनों वायर्स को निकाल देता हूँ जो कि हमारे इस फ्रंट साउंड बार की हैं। सो अब मेरा फ्रंट साउंड बार काम नहीं करेगा, जो भी ऑडियो आएगी वो उन दोनों सराउंड स्पीकर से ही आएगी। सो गाइस अब आपको सुनाई कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि गाइस मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जितने भी वोकल्स जो तो जितने भी वोकल्स होते हैं जो बंदा बोल रहा होता है वो हमें फ्रंट स्पीकर से ही सुनाई देते हैं, और जितने भी बाहर के अफेक्ट्स होते हैं वो हमारे सराउंड स्पीकर से आते हैं। सो आई विल जस्ट शो यू, मैं दोबारा से इसको प्ले करता हूँ और देखना कि गाइस कोई भी वोकल की आवाज़ आपको नहीं आएगी, क्योंकि वोकल की जो भी आवाज़ होगी वो हमारे सामने वाले चैनल से ही आएगी, साउंड साइड वालों से नहीं आएगी। कभी कभार जो थोड़े बहुत अफेक्ट्स होते हैं जिसमें वो यूँ दिखाते हैं कि कोई बंदा उधर से बोल रहा है फिर कोई उधर से बोल रहा है, उनमें हमें सुनाई देगी ऊपर से बस, बाकी किसी में सुनाई नहीं देगी। सो मैं प्ले करता हूं इसको और आप खुद देखना। देखो सिर्फ और सिर्फ अफेक्ट्स की आवाज आ रही है, वोकल्स कुछ भी नहीं सुनाई दे रहे। एंड ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है इसमें क्योंकि ये 5.1 को सपोर्ट करती है। अब मान लो मैं कोई नॉर्मल YouTube वीडियो चलाऊंगा जिसमें 5.1 का सपोर्ट नहीं है, उनकी आवाज़ होपफुली पीछे वाले स्पीकर से भी बिल्कुल नॉर्मली आएगी। आई विल जस्ट शो यू, मैं दिखाता हूँ आपको, कोई अपनी वीडियो चलाता हूँ बिना बाद में कॉपीराइट ना आ जाए।
यार ये डीजे हर्ष शर्मा फर्स्ट नंबर पे आ जाता है, ये तो बहुत भारी है यार। देखा गाइस, एज यू कैन सी गाइस, जो भी मेरे को डीएसएल पे देखने को मिल रहा था गाइस, वही सब चीजें मेरे को देखने को मिल रही मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो यू आर सरप्राइज्ड हर्ष शर्मा, एंड ऐसा बेसिकली इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये 5.1 को सपोर्ट नहीं करती है, जो ऑडियो है ये वाली जो मेरी यूट्यूब वीडियो में है, जो 5.1 को सपोर्ट करेगी उसमें हमें इतनी तेज आवाज नहीं आएगी सराउंड स्पीकर से। सो बेसिकली दिस इज प्रीटी मच इट, कैमरा चेंज करता हूँ और एक आउट्रो करता हूँ, एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ आपको। एंड सो ऑलराइट गाइस, अगर मैं आपको एक फाइनल रिव्यू दूँ अपना इन स्पीकर्स के बारे में, तो गाइस मेरे हिसाब से स्पीकर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। गाइस जो इसका छोटा वाला वर्जन आता है वो एच टी सीरीज जो आती है वो 400 वॉट्स के होते हैं, और गाइस वो वायर्ड स्पीकर्स होते हैं। गाइस उनकी भी क्वालिटी मैंने देखी थी गाइस, क्वालिटी हाउएवर जब मैंने क्रोमा में इसको लाइव टेस्ट किया था तब तो गाइस इतना फर्क नहीं पता चल रहा था, बट गाइस जो हमारे 600 वॉट्स वाले ये तो गाइस मोर देन इनफ पावर है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी पावर है। अगर मान लो आपको डॉल्बी एटमॉस वाला कंटेंट देख रहे हो, 5.1 ऑडियो देख रहे हो, मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया ही था गाइस, बहुत ही अल्टीमेट साउंड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं इसमें। और गाइस अगर मैं बेस क्वालिटी की बात करूँ तो गाइस बेस क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब ऑब्वियसली गाइस एक सोनी ऐसी ब्रांड से आ रहा है और हम 26-27 हज़ार रुपये स्पेंड कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें अच्छी मिलनी ही मिलनी थी। और गाइस अगर मैं बात करूँ इसके रिसीवर की, तो गाइस मेरे को कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि लैग्स मेरे को देखने मिले हों या फिर मेरे सराउंड स्पीकर काम ना कर रहे हों, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, सब कुछ मतलब बिल्कुल क्रिस्प क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है और कनेक्शन एकदम फर्म होता है हमारे फ्रंट यूनिट का और हमारे रियर स्पीकर्स का। सो बेसिकली गाइस अगर मैं सजेस्ट करूं कि आपको खरीदने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए, गाइस डेफिनेटली आई विल सजेस्ट यू गाइस टू बाय दिस वन। अगर गाइस आप वायरलेस वाली रेंज में ढूंढ रहे हो, वायर्ड में हाउएवर आपको 17-18 हज़ार में मिल जाएंगे 400 वॉट वाले एच टी सीरीज जो होती है, HT40 है शायद से वो। सो मैं उसके भी लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसके भी लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एंड बेसिकली आई थिंक दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई है, बट एक इन डेप्थ रिव्यू बनाना था मेरे को और लंबा होना ही था थोड़ा सा। सो बेसिकली गाइस आई थिंक दैट वॉज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू गाइस मेड इट टिल द एंड जस्ट ड्रॉप अ लाइक, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस एंड आई एम आउट।